रायसेन में लकड़ी काटने जंगल में गया व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर किया गया है। थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम रामासिया निवासी तोरण सिंह बैरागी 40 वर्षीय अपने भाई बबलू के साथ शनिवार दोपहर को जंगल में लकड़ी काटने गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई जो कि उसके कंधे में लगी। इस दौरान उसने अपने भाई बबलू को आवाज दी तो उसने आकर देखा कि तोरण घायल अवस्था में पड़ा था। उसके बाद उसने परिजनों और थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। थाना तोरण सिंह वैरागी भाई का रहने वाला रामासिया का अपने साथी के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया था। वो ही नाले के ऊपर जंगल जैसे पहुंचा तो लोग अलग अलग काट रहे थे। कुछ देर में ऐसे चलाने की आवाज़ आई तो उसका साथी वहाँ पहुंचा तो उसको उसने बताया कि किसने चलाई। घायल अवस्था में उसको अस्पताल लेकर आए। घायल तोरण सिंह का इलाज चल रहा है। डॉक्टर लगे टीम लगी है और पुलिस भी घटना से पहुंच गई है, जाँच कर रही है और जैसे जाँच निष्कर्ष आए उसको अवगत करा दिया जाएगा। क्या लगता है सर कैसे घायल हुए? वेपन है, फायर आर्म है, बुलेट जैसे निकलता है। बंदूक चलने के कारण घाव बना है, गोली लगी है, हाथ में लगी है, पीछे रीढ़ की हड्डी के पास लगी है। घाव काफ़ी गहरा है, मरीज की हालत काफ़ी गंभीर है। उसको हमने हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल रेफर कर दिया है।